गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक लग्जरियस स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं, बहुत टाइम से पेंडिंग था, सोच लिया कि ये भी कर लेते हैं। तो चलो गाइस, आज इस व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो स्टेकेशन बुक किया था वो पावना लेक के पास था। पावना जाने के लिए बहुत से रोड्स है, तो हम लोग ने डिसाइडेड किया कि लोनावला थ्रू ही जाएंगे। वो कहते हैं ना कि बारिश के मौसम में लोनावला आना मतलब एक शास्त्रास्त्र तसस का ही। तो व्लॉग एंड तक देखना ताकि आप एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। One eternity later. So, बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारों के आनंद लेते हुए फाइनली हम अपने रिसोर्ट पे पहुंच गए। लगभग 120 किलोमीटर्स की दूरी पे था फ्रॉम मुंबई और 64 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। तो जैसे आप विला में एंटर करोगे, आपको ये लेफ्ट साइड में एक प्लेटफॉर्म दिखेगा जहाँ पे आप बैठ के आराम से मस्त इवनिंग की कॉफ़ी, चाय, वॉट एवर स्नैक्स इंजॉय कर सकते हो। और ये सामने ही आपको पावना डैम दिखेगा, जस्ट बिहाइंड दिस ट्रीज। और ये आपको सामने विला दिखेगा, पूरा व्यू। एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट इन्होंने बिल्टअप किया हुआ है, अमेजिंग लोकेशन। और ये जो सामने दिख रहा है वो आपको 3 BHK का विला, यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली 7-8 मिनिमम लोग रह सकते हो। ये जो आपको सामने दिख रहा है वो है कॉटेजेस। तो देर आर टोटल 7 कॉटेज, सेम साइज, सेम सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको एक झूला भी दिखेगा बच्चों के लिए खेलने के लिए, थोड़ा सा एक प्लेग्राउंड भी इन्होंने बनाया हुआ है। बहुत ही सही है, मैं तो बोलूँ एक बार ज़रूर विज़िट करो। अभी जस्ट मैं स्विमिंग पूल के आसपास आया हूँ, थोड़ा कैमरा मैं लेफ्ट साइड में नहीं घुमा सकता बिकॉज दूसरी फैमिली भी थी, उनको ऑकवर्ड ना फील हो। ये है रेस्टोरेंट, अगर आप अंदर आते हो तो यहाँ पे आला कार्ट के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो, जो आपको चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, वॉट एवर जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। और ये देखो, जैसे आप थोड़ा आगे आओगे बालकनी से आपको पावना डैम दिखेगा, ये सामने जो है वो पावना डैम ही है। अच्छा मस्त हम लोग ने यहाँ पे बैठ के प्रॉपर ब्रेकफास्ट वगैरह किया था मॉर्निंग में, बहुत ही सुंदर था। तो ये है टोटल व्यू, चलो दोबारा दिखाता हूँ पावना डैम का एक व्यू यहाँ पे। तो देखो कितने नज़दीक अपना पावना डैम दिख रहा है विला से, तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, मैं तो बोलूँ एक बार आप ज़रूर विज़िट करना। तो चलो अभी हम लोग टूवर्ड्स जाते हैं रूम की ओर, और आपको एक रूम टूर भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कॉटेजेस है वो कॉटेजेस की साइज़ क्या है, और फिर बाद में यहाँ पे रहने के लिए क्या क्या है, एमिनिटीज़ क्या क्या मिलेगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं देते रहूँगा। तो आपकी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो आगे चलते हैं टूवर्ड्स रूम टूर। तो यहाँ पे जो आपको कॉटेजेस दिख रहे हैं तो वही कॉटेजेस में हम लोग का एक रूम था। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली रूम अपने कैसे हैं। सो ये है बाहर का नज़ारा फ्रॉम आउटसाइड दी रूम। मैं तो पर्सनली अगर आप पूछोगे तो बहुत ही प्यारा लगा। मैं यहाँ पे कितने भी घंटों तक बैठ सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इतना सुंदर है। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ रूम। सो टडा, ये है जो हम लोग का रूम है फॉर टुडे। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 चेयर्स है, ये है हमारा बेड, एसी भी लगाया हुआ है। और ये सामने जो दिख रहा है वो है बाथरूम, साइड में आपको कबर्ड भी दिया हुआ है फॉर लगेज, और ये टीवी और एक छोटा सा फ्रिज अगर आपको कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ भी रखना हो उसके लिए। तो चलो अभी देखते हैं वॉशरूम्स भी कैसे हैं। सो एम्पल स्पेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लीनलीनेस बहुत है, आपको बकेट बिकेट सब कुछ दिया रहेगा। एंड आई कैन रेट दिस 9 out of 10, बहुत ही सही है। सो ये है रिक्रिएशन रूम, आपको यहाँ पे टेबल टेनिस, पूल, और फिर बाद में साइड में आपको कैरम और एक चेस बोर्ड भी दिखेगा। तो यहाँ पे बच्चे चेस भी खेल रहे थे, तो सोचा चलो एक बार कैरम खेल लेते, थोड़े पुराने दिन भी याद आए कैरम खेलते हुए, तो बहुत मज़ा आया। फिर बाद में पूल भी ट्राई किया, पूल मैंने लगभग 2013 में जब भी मैं एक्सेंचर में था तभी मैंने खेला था, और उसके बाद में अभी, तो मज़ा आया। स्विमिंग पूल से मैं आपको बताती हूँ यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे।
यार सच्ची में आप ये जगह जरूर विजिट करना। सी दिस लुक लाइक हेवन। ये सामने पाहुना डैम, ये है पुल, सामने लोगों को दिया है एक एक कॉटेजेस। हम लोग का वहां पे है, यहाँ पे ये वाला कॉटेजेस है, तो यहाँ से पूरा व्यू दिख जाता है स्विमिंग पूल का। तो चलो हमको जाने दो स्विमिंग पूल, आप वीडियो देख लेना। कपल, सो आज हम लोग आए हैं पावना, वो भी स्टेकेशन के लिए। बहुत टाइम हो गया हम लोग ने स्टेकेशन नहीं किया था। तो पावना में हमको एक मस्त प्रॉपर्टी मिला, वो भी कम से कम दाम में। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है, आपने तो पूरा वीडियो तो देख लिया कि प्रॉपर्टी का एक टूर हम लोग ने जो दिया था, तो आपको कैसे लगा ये प्रॉपर्टी का व्यू? तो अभी मैं ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का लोकेशन रिवील कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी का लोकेशन और जो नाम है वो ग्रीन वेलवेट रिसोर्ट है। ये आप लोनावला से अगर आ रहे हो तो पावना डैम के लिए आपको आना पड़ेगा। बीच में ये ऑन एंड ऑफ बारिश चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। जब भी बारिश हो, हाँ जब भी बारिश हो रही है तभी हम लोग इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, और जब भी बारिश थोड़ी कम हो रही है तो मोबाइल्स और गोप्रो निकालने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग स्विमिंग पूल के पास उसको लेके नहीं जा रहे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से भी आ रही है। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी बुक करते हो तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड मिल जाएगा, पर आई मस्ट से कि वीकेंड पे ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आप वीकेंड छोड़ के फ्राइडे सैटरडे या संडे वनडे प्लान करोगे तो ये आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप वीकडेज में प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स अ गुड डील। अगर आप वीकेंड में ट्रैवल करोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट आफ्टर ऑल यू नो कि हर एक का चॉइस है। किसी किसी को वीकेंड ही पॉसिबल होता है, किसी को फ्राइडे सैटरडे या फिर वीकडेज में भी पॉसिबल है। तो हम लोग ने वीकडेज में हम लोग ने ये प्रॉपर्टी बुक किया था। हम लोग को जो प्राइस मिला, प्राइस बताना है? प्राइस तो हमको ये 6,000 पर नाइट पे मिला था। एक दो फ्रेंड्स ने इसको सजेस्ट किया था, ये यहाँ पे विजिट कर चुके थे, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे आके विजिट कर। इधर 7 कॉटेजेस है, 7 कॉटेजेस अलग अलग टाइप के नहीं है, सेम एक ही टाइप के है। और एक बेनिफिट है, अगर आप ग्रुप में आना चाहते हो तो यहाँ पे 3 BHK विला भी है। और यू नो कि प्रॉपर्टी आपको एकदम वास्ट भी बड़ी, एकदम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी एक लिमिटेड पब्लिक के लिए बहुत सॉर्टेड है और कपल फ्रेंडली तो है। बस सिर्फ यहाँ पे पेट अलाउड नहीं है। और अगर आपको यू नो कि लाइक जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे टूथपेस्ट हो या फिर टूथब्रश अगर आप भूल भी गए तो यहाँ पे वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इजीली मिल जाएगी आपको। रिसेप्शन पे बोल दो कि अरे ये चाहिए, वो लोग ला के दे देंगे, तो उसका टेंशन नहीं। हाँ, फूड यहाँ पे इनका खुद का रेस्टोरेंट है तो टेंशन भी नहीं है। तो फूड क्वालिटी इज गुड, फूड टेस्ट आल्सो इज गुड। आना है, प्लान करना है तो मैं ये होटल का या फिर ये रिसोर्ट का मैं पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप जो नीचे दिया हुआ जो कूपन कोड अगर यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। ये था हमारा मॉनसून स्टेकेशन, वो भी हम लोग ने बहुत ही लेट प्लान किया, बट जो प्लान किया वो उस हिसाब से हमको तो बहुत ही अच्छा मिल गया। आपके ये वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज रहेगी आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है एक्सप्लोरिंग कपल, वहाँ पे आप DM कर दो। जो भी आपके रिलेटेड क्वेरीज रहेंगी हम लोग डेफिनेटली उसका रिवर्ट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर चैनल पे न्यू हो तो। और न्यू व्लॉग के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।
बाय।